अब डॉटनेट ऐप पे मिलेगा आपको क्लास सिक्स से आईआईटी जेई तक के मैथ के साथ साथ इलेवेंथ एवं ट्वेल्थ के फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के सभी सवाल का जवाब। बस डॉटनेट ऐप से क्वेश्चन की फोटो खींचे और तुरंत पाए वीडियो सॉल्यूशन। तो आज ही डाउनलोड करें डॉटनेट ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों यहाँ आप कठिन से कठिन क्वेश्चन का सोल्यूशन। दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आईटीआई में एडमिशन के लिए बीसीएसई बोर्ड के द्वारा दोस्तों आपका जो है सेकेंड अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों यहां पर आप लोगों को सभी जो है चेक कर लेना है। यहां पर दोस्तों आपका फोटो होगा और इस यहां पर जो एक नंबर में सबसे पहले यहाँ आपका अपना डिटेल होगा, रोल नंबर, जो भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये सारा यहाँ पे डिटेल लिखा होगा दोस्तों। और इसके बाद ए नंबर में आप लोग जो है कौन सा चॉइस किए थे, जो जैसे इनको जो है इलेक्ट्रीशियन मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला का जो ए नंबर है उसमें आपको जो है कौन सा ट्रेड मिला है और कौन सा जो है कॉलेज मिला है, ये आपको दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे का क्या है दोस्तों कि आपका न तो फोटो है और यानी कि बहुत सारा त्रुटि देखने को मिला है, और 80% बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जिनका दोस्तों क्या है गड़बड़ी है, किसी का फोटो नहीं है या फिर किसी को जो कौन सा ट्रेड मिला यही नहीं लिखा गया है, कौन सा कॉलेज मिला ये भी नहीं लिखा गया है। और यहाँ पर आपका जो है दोस्तों बी ऑप्शन बी में जो आपका डिक्लेरेशन, बी और सी में आपका डिक्लेरेशन है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का है, ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का दिया गया है। और यहाँ पर आपका जो है थंब का इंप्रेशन देना है, आप सिग्नेचर उग्नेचर है। इसके बाद तीसरा नंबर, दूसरा नंबर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नंबर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, और इसी में दोस्तों आपका सारा डिटेल जो है दिया जाएगा किसके बारे में, कि कौन सा ट्रेड आपको मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन से आपको जो है आपका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नाम क्या है, सारा जी आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारा जानकारी इसमें दिया गया होगा दूसरा नंबर में। और तीसरा नंबर में यहाँ पर जो दोस्तों आपका है वो फ़ी के लेकर के, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 799 इस स्टूडेंट को क्या करना है देना है, फ़ी के लेकर के कितना फ़ी आपको जमा करना है, ये सारा डिटेल दिया गया था। और एक और महत्वपूर्ण जो बात है आपके अलॉटमेंट ऑर्डर में वो है दोस्तों आपका रिपोर्टिंग सेंटर और रिपोर्टिंग डेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका रिपोर्टिंग सेंटर लिखा आ रहा है और रिपोर्टिंग डेट भी दोस्तों यहाँ पर इनका दिया गया है, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग सेंटर का नाम है। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत जगह पे दोस्तों क्या है प्रॉब्लम है, या तो उनका फोटो नहीं है, या तो उनका ट्रेड नहीं शो कर रहा कि कौन सा ट्रेड मिला, कौन सा कॉलेज मिला ये भी नहीं शो कर रहा है, या फिर नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों ऐसे हैं जिनका रिपोर्टिंग सेंटर नहीं जो है शो कर रहा है, रिपोर्टिंग डेट शो नहीं कर रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है जो बहुत सारे स्टूडेंट में ऐसा दोस्तों प्रॉब्लम देखने को मिला है। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रॉब्लम का कारण दोस्तों आपको हम बता दें कि आप लोगों का कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं है, आप लोग का कोई भी गलती नहीं है दोस्तों, ऐसा बोर्ड के गलती के कारण ही दोस्तों हुआ है। जैसा कि पहले भी आपको बोर्ड के द्वारा जो है बताया गया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका 20 तारीख को जारी नहीं किया गया था, तो दोस्तों ये दोस्तों ऐसा जो गड़बड़ी आ रहा है स्टूडेंट में, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, ऐसा गड़बड़ी आ जाए तो परेशानी दोस्तों आपका क्या है बनता है, या परेशान जो है लोगों को होना पड़ता है, स्टूडेंट को होना पड़ता है। तो इसमें गलती दोस्तों आपका नहीं है, गलती बोर्ड का है, बोर्ड ने दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम किया है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या फिर किसी भी प्रॉब्लम के कारण दोस्तों ऐसा बोर्ड की गलती के कारण हुआ है कि आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है, रिपोर्टिंग सेंटर रिपोर्टिंग डेट नहीं लिखा जा रहा है। जैसे ही दोस्तों ये बात हमें पता चला आपका सुबह 8 बजे, तो दोस्तों हम तभी से आपके वेबसाइट पे लगे हुए, बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं किया। तो ये दोस्तों गलती है बोर्ड का, तो सुधारना भी दोस्तों उन्हीं को है। हम चेक कर रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए, हम जो है उस वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आखिर जो है इसका समाधान क्या होगा। और दोस्तों बोर्ड के द्वारा अगर इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या फिर कोई भी सुझाव दिया जाता है कि कैसे आप लोगों का ठीक किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों हम टाइम टू टाइम एकदम प्रति मिनट दोस्तों क्या करते हैं आपका जानकारी हम चेक करते रहते हैं और सारा पता लगा रहे हैं कि इसका जो है निदान कैसे किया जाएगा, क्या करेंगे कि आप लोगों का दोस्तों आपका जो सारा प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, इसका सारा हम जो है दोस्तों पता लगा रहे हैं। और जैसे ही कोई हमें जानकारी दोस्तों मिलता है तो हम आप लोगों को वीडियो के मदद से बताएंगे। आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये गलती जो है वो बोर्ड का गलती है, तो सुधारना भी दोस्तों उन्हीं को है। हम सारा जानकारी पता करते हैं कि आखिर क्या करेंगे आप लोग ताकि आपका जो है अलॉटमेंट लेटर में जो भी प्रॉब्लम है वो सुधार हो सके, और जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलता है तो हम आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले बताएंगे। सो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आगे हमें कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है,
कोई भी जानकारी मिलता है हम पूरा पता कर रहे हैं, सारा हम जानकारी ले रहे हैं बोर्ड के मदद से, आपका जो ऑफिस वेबसाइट के मदद से, तो उसको हम दोस्तों बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके।